14 कोशी परिक्रमा प्रातः 6:05 पर शुभ मुहूर्त पर शुरू हो गई, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंचे। 42 किलोमीटर की यह परिक्रमा श्रद्धालु पैदल करते हैं, आस्था की डगर पर नंगे पांव चलते हैं। परिक्रमा साकुशल संपन्न हो इसके लिए जिला प्रशासन ने कई सारे इंतजाम किए। श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको देखने के लिए अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने ADM सिटी वैभव शर्मा के साथ परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया, जहां पर बहुत सारी कमियां नजर आईं। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कमियों को लेकर नाराजगी व्यक्त की और ADM सिटी वैभव शर्मा को कमियों को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता सरकार अयोध्या के कार्तिक मेले में आयोजित 14 को सेवा पंचकोशी परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई समस्या न हो इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं करती है। इस बार भी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए कई सारे इंतजाम किए। श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई, जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, साथ ही रुकने के लिए जगह जगह कैंप भी बनाए गए। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का दावा है कि परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से कोई भी कमियां नहीं मिलेंगी। अयोध्या की पावन नगरी में कल 14 कोसी परिक्रमा शुरू होने जा रही है सुबह 6 बजे से, और शासन स्तर पर क्या तैयारी है इसको मैं आज देखने निकला था, और जहाँ कमियाँ हैं उनको मैंने ADM सिटी साहब मेरे साथ में PWD विभाग के अधिकारीगण हैं, जहाँ कमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, और संभावना ये है कि व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी। जो कमियाँ हैं उनको हम लोग आज पूरा करा लेंगे, जो जहाँ पर कमियाँ रह गई हैं कुछ जगहों पर छोटे छोटे ईंट बजरी टाइप के निकले हुए हैं, जैसे पैरों में नंगे पैर लोगों तीर्थयात्रियों को श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी, तो उसके लिए मैंने ADM सिटी साहब से और PWD के अधिकारी विकास को आज से लेकर कल सुबह तक उसको पैचअप करके एक लेयर बनाकर उसको ठीक कर दें, इससे आसानी हो तीर्थयात्रियों को परिक्रमा करने में।